कैमूर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुर्गावती थाना क्षेत्र के करारी गांव में दबंग मुस्लिम समाज द्वारा एक दलित परिवार के कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार करारी गांव में रह रहे हिंदू दलित परिवार के लोग काफी डर कर रहते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज की संख्या अधिक है, जिसके कारण आए दिन हिंदू दलित परिवार को डरा धमका कर रखा जाता है। आज करनी सेना, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के एक शिष्टमंडल पीड़ित परिवार से मिला। R9 भारत के ब्यूरो चीफ प्रिंस सिंह ने जब पीड़ित परिवार के रमाकांत पासवान से बात की तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस सिंह और आप देख रहे हैं R9 भारत। आज मैं मौजूद हूं कैमूर जिला के थाना दुर्गावती में, और मैं बता दूं यहां इसलिए मैं मौजूद हूं कि अभी पिछले एक दो दिन दुर्गावती प्रखंड के दुर्गावती थाना अंतर्गत करारी गांव में दलित समाज के लोगों को मुस्लिम समाज द्वारा डंडे से पीटा जा रहा था, और इसका वीडियो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। और जिन लोगों को डंडे से पीटा जा रहा था, जैसा वीडियो में दिख रहा है, और मेरे पास वही लोग मौजूद हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर में झगड़ा का कारण क्या है और क्यों हुआ था, झगड़ा क्यों हुआ था। ये वो बछड़ा के लेके हुआ सर, और वही बछड़ा के लिए विवाद बढ़ते बढ़ते यही लड़का को छेक कर कर मार रहे थे। बछड़ा का क्या विवाद था? यही कि हमें दे दो और हमें दे दो खरीदने के लिए। तो आपने किसी को नहीं दिया? किसी को नहीं दिया सर, और उसी रात को हमारा बछड़ा खुल गया। अच्छा, कितने लोगों ने आप लोगों को मारा? और ये तो पारिवारिक झगड़ा था आपके तो घर और दूसरे घर पे, तो मारने वालों की संख्या कितनी थी? 17 लोग थे सर। 17 लोग? अच्छा। रामाकांत, बिंदु, विजेश, सुभाष, मनोरमा देवी और परमिला देवी। आपने FIR दर्ज करा दिया है? जी हाँ सर। तो प्रशासन द्वारा क्या सहयोग हुआ आपका? हमें प्रशासन से बहुत राहत मिला सर, तभी तो हम लोग चैन से वहाँ आए, नहीं तो चैन से नहीं रहने देते। क्या पहले भी ये आप लोगों को टॉर्चर करते आ रहे हैं या दबाव देते आ रहे हैं लोग वहाँ के लोग? हाँ बहुत, ऐसे हरदम हमारे दुआरी पर आकर के तुमको मारेंगे, ऐसे क्यों बोला, ऐसे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ऐसा कुछ विवाद लेकर आए सर। अभी क्या स्थिति, आपको क्या मतलब जानकारी हुई कि जिन लोगों के ऊपर आपने FIR किया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? दो लोगों की। तो क्या अभी आप सदमे में हैं, डरे हुए हैं? जी नहीं, ये समय तो हमने नहीं डर रहे। प्रशासन का भरपूर सहयोग है? हाँ सर, वहाँ प्रशासन हमारे पास है। तो आप देख रहे थे मेरे साथ ये पीड़ित परिवार थे, आपका नाम क्या है? जी रामाकांत पासवान। तो ये रामाकांत पासवान जी थे, और ये अब बता रहे थे कि कैसे झगड़ा हुआ था और कैसे इन लोगों को मारा पीटा जा रहा था। मैं प्रिंस सिंह, R9 भारत, कैमूर।